वर्ल्ड कप 2023 दोस्तों विश्व कप से बाहर नहीं हुए सपना टूट गया। जिम्बाब्वे की हार के बाद फूट फूट कर रोए श्रीकांता राजा। जी हाँ दोस्तों बताएंगे पूरी खबर इस वीडियो में, इससे पहले वीडियो को दिल से एक लाइक करें दोस्तों। दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 आईसीसी विश्व कप 2023 के क्वालिफायर के सुपर सिक्स में जिम्बाब्वे को स्कॉटलैंड के खिलाफ करारी हार मिली है। इस हार के साथ ही विश्व कप 2023 में खेलने की रेस से जिम्बाब्वे बाहर हो गई है दोस्तों। इस हार के बाद श्रीकांता राजा पूरी तरह से टूट गए हैं। आईसीसी विश्व कप 2023 के खेले जा रहे क्वालिफायर में जिम्बाब्वे को बड़ा झटका लगा है दोस्तों। सुपर सिक्स राउंड में जिम्बाब्वे को स्कॉटलैंड ने 31 रन से हरा दिया। इस हार के साथ ही विश्व कप 2023 में खेलने के जिम्बाब्वे का सपना भी टूट गया है। सिर्फ सपना ही नहीं टूटा दोस्तों, इस हार ने फैंस और टीम के खिलाड़ियों को अंदर से झकझोर दिया है। खास तौर से टीम के अनुभवी स्पिनर श्रीकांता राजा हताश नजर आए दोस्तों। राजा ने क्वालिफायर में टीम के लिए अपनी जान लगा दी। उन्होंने गेंद और बैट दोनों से कमाल का खेल दिखाया। बल्लेबाजी में राजा ने 325 रन बनाए, जबकि अपनी गेंदबाजी में वे 9 विकेट झटके। उनके इस दमदार प्रदर्शन का ही नतीजा है कि टीम सुपर सिक्स राउंड में पहुंची थी। जिम्बाब्वे 2019 विश्व कप क्वालिफायर में क्वालिफाई नहीं कर सकी थी, उसमें भी राजा ने 196 रन बनाने के साथ 12 विकेट लिए थे। श्रीकांता राजा अपनी टीम के लिए पिछले कुछ सालों से दमदार फॉर्म में चल रहे हैं। उनकी उम्र अभी 37 साल की है। ऐसे में 4 साल बाद होने वाले विश्व कप के लिए वह खेल पाते हैं या नहीं, यह तो अब तय नहीं है। लेकिन जिस तरह से राजा ने अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन उनकी टीम विश्व कप से बाहर हो गई, वह देखकर उनका दिल टूट गया। दोस्तों ड्रेसिंग रूम में बैठे अपनी टीम को हारते देख श्रीकांता राजा फूट फूट कर रोने लगे दोस्तों। क्या रहा मैच का हाल? सुपर सिक्स के इस मुकाबले में स्कॉटलैंड के लिए माइकल लिक्स के ऑलराउंड प्रदर्शन और क्रिस सोल ने शानदार गेंदबाजी की। जिम्बाब्वे इस मैच में हार से विश्व कप में जगह बनाने की दौड़ से लगभग बाहर हो गई है। स्कॉटलैंड के अब 6 अंक हो गए हैं और वह श्रीलंका के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। जिम्बाब्वे के भी 6 अंक हैं, लेकिन उसने अपने सभी मैच खेल लिए हैं और उसका नेट रन रेट भी अच्छा नहीं है। स्कॉटलैंड ने टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 234 रन बनाए थे दोस्तों। उसकी तरफ से लिक्स ने सर्वाधिक 48 रन बनाए। उनके अलावा मैथ्यू क्रॉस ने 38, डेडन मैकुलल ने 34 और जर्ज मुनसे ने 31 रन का योगदान दिया। जिम्बाब्वे के लिए शेन विलियमसन ने 3 विकेट लिए। जिम्बाब्वे के लिए यह अपेक्षाकृत छोटा लक्ष्य भी पहाड़ जैसा बन गया और उसकी टीम रैन बर्ले की 83 रन की पारी के बावजूद 41.1 ओवर में 203 रन पर सिमट गई। स्कॉटलैंड की तरफ से सोल ने 3 जबकि लिक्स और मैकमुलन ने 2-2 विकेट लिए। सोल को मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो दोस्तों इस तरह से जिम्बाब्वे वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। तो दोस्तों हमारी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को दिल से एक लाइक करें। और चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल नरेंद्र के क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए दोस्तों आपको दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।